अगर आपके पैरों में अल्सर है और वही अल्सर काफ़ी दिनों से भर नहीं रहा, आपने काफ़ी इसका ट्रीटमेंट भी करा लिया है, काफ़ी मेडिसिन ले लिया है, बट डॉक्टर भी चेंज करके देख लिया है, फिर भी ये अल्सर भर नहीं रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। इसमें हमने पूरा कोशिश की है समझाने के लिए कि अल्सर आखिरकार होता क्यों है और ये अल्सर अगर भर नहीं रहा है तो इसका कारण क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। लेग अल्सर काफ़ी पेनफुल हो सकता है पर्सन के लिए भी और उनके परिवार वालों के लिए भी। लेग अल्सर में पस निकलता है, डिस्चार्ज होता है और पेशेंट की मोबिलिटी भी डिस्टर्ब हो जाती है। इससे पेशेंट भी मेंटली डिस्टर्ब रहता है और कुछ कुछ पेशेंट में ये डिप्रेशन का भी कारण बनता है। इसलिए लेग अल्सर जल्द से जल्द ठीक करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। लेग अल्सर के ट्रीटमेंट समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि लेग अल्सर हुआ क्यों है, इसका मेन रीजन क्या है कि ये अल्सर बना है और अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो ये जानने के लिए हमें नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन समझना जरूरी है। जब ब्लड हार्ट्स के द्वारा ब्लड वेसल्स से पैर के तरफ जाता है तो ब्लड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो टिश्यू को सप्लाई करते हैं। जो वेसल्स इनको लेके जाते हैं उनको कहते हैं आर्टरीज, और ये ब्लड फिर रिटर्न होता है, जिन वेसल्स के द्वारा रिटर्न होता है उनको कहते हैं हम वेन्स। मेन वेन्स रहती है जो मसल के अंदर होती है, जो डीप वेन्स कहते हैं, और एक सुपरफिशियल वेन होती है जो मसल के बाहर होती है। तो नॉर्मली ये जब नॉर्मल फंक्शंस करते हैं तब टिश्यू स्वस्थ रहते हैं। इनमें से अगर किसी भी लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम आता है तो अल्सर बनने का चांस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम समझें कि जो आर्टरीज है ब्लड लेके जा रही है और उसमें कहीं ब्लॉकेज आ गया, लॉन्ग स्टैंडिंग सिचुएशन में ये ब्लॉकेज की वजह से टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, इनमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो अल्सर बनने लगेगा। और हम कोई एंटीबायोटिक भी ले रहे हैं, कोई मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो ये भी एडिक्वेटली टिश्यू तक नहीं पहुँच पाएंगी, तो ये अल्सर बनने का कारण हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम होता है, अगर दूसरी सिचुएशन हम समझते हैं, जैसे ब्लड फ्लो रिटर्न आने वाले सिस्टम में ब्लॉकेज है, जो डीप वेन में अगर ब्लॉकेज है तो टिश्यू में प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होने से उनके अंदर का जो माइक्रो सर्कुलेशन है डिस्टर्ब हो जाता है। सिमिलरली आपने देखा होगा वेरिकोज वेन वाले कुछ कुछ पेशेंट्स में भी अल्सर बन जाता है, इसमें भी टिश्यू लेवल पे प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, तो अल्सर जो भी बनता है वो हील होने में काफ़ी समय लेता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि अल्सर बनने के बाद वो ठीक होने में समय क्यों लग रहा है। तीनों सिस्टम में अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो अल्सर बन सकता है, या अगर जो अल्सर ठीक हो गया है उस जगह पे फिर से अल्सर बन सकता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ टैबलेट्स या एंटीबायोटिक खाने से या कोई क्रीम या लोशन लगाने से अल्सर क्यों नहीं भर रहा है, क्योंकि इसका रूट कॉज जो मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अल्सर बना है अभी भी वहीं पे है। तो बेसिक ट्रीटमेंट के साथ साथ मेन कॉज को हटाना जरूरी है, तभी ये अल्सर प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अभी आप जानते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, मतलब हम पता कैसे लगाएंगे कि ये अल्सर किस वजह से बना है, क्या ये आर्टरी ब्लॉकेज से बना है या वेनस सिस्टम ब्लॉकेज से बना है या फिर वेरिकोज वेन डेवलप होने की वजह से बना है। तो इसके लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ एक बेसिक टेस्ट होता है जो हम काफी रूटीनली करते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड में हमें आइडिया आ जाती है कि कहीं आर्टरी तो ब्लॉक नहीं है, कहीं वेन में क्लॉट तो नहीं जमा है, या वेरिकोज वेन नहीं डेवलप हो गई। ये बेसिक टेस्ट करने के बाद हम कभी कभी पेशेंट को सीटी एंजियोग्राफी या वेनोग्राफी एडवाइस करते हैं, जिसमें हमें डिटेल मैपिंग पता चल जाती है कि सिस्टम में कहाँ पे ब्लॉकेज है या कहाँ पे एक्सेसिवली ब्लड फ्लो रुक रहा है। ये पता करने के बाद हम बेसिक ट्रीटमेंट के तरफ मूव करते हैं। बेसिक अल्सर ट्रीटमेंट में हम जैसे रेगुलर ड्रेसिंग कराते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं और कुछ ऑइंटमेंट्स लगाने के लिए देते हैं, ये सब बेसिक ट्रीटमेंट होता है। और ये भली भांति बहुत सारे पेशेंट ऑलरेडी ले चुके होते हैं हमारे तक पहुंचने के लिए, या बहुत सारे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनको अल्सर है ऑलरेडी ये ट्रीटमेंट ले चुके होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है किसी भी अल्सर के लिए। ये शुरुआत यहीं से होती है। कुछ कुछ इसमें एंटीबायोटिक्स ज्यादा इफेक्टिवली एक्ट करते हैं और कुछ कुछ पेशेंट में एंटीबायोटिक बिल्कुल भी एक्ट नहीं करते हैं, तो ये डिफरेंस होता है। अगर जो उसमें इन्फेक्शन हुआ है, जो ऑर्गेनिज्म है, अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ये पता कराना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी एक करके जो टेस्ट होता है तो उसमें प्लस फर्स्ट सैंपल टेस्ट करके हम पता करा सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म किस एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है, उस हिसाब से एंटीबायोटिक चेंज करना ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ भी कुछ स्पेशलाइज एजेंट्स आते हैं जिसके द्वारा हम ड्रेसिंग करते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट ड्रेसिंग होता है, मेट्रोनिडाजोल जेल पैड आता है और एक पोटेशियम परमैंगनेट ड्रेसिंग आता है। तो अलग अलग टाइप के ड्रेसिंग्स अवेलेबल हैं जिनसे अपन डिसाइड करते हैं कि अल्सर का साइज कितना है, ग्रोथ कितना है, उसके हिसाब से इसमें ड्रेसिंग होता है। अगर अल्सर काफ़ी बड़ा है या काफ़ी गहरा है तो इसके लिए कुछ स्पेशलाइज टाइप की ड्रेसिंग्स आती हैं, कुछ अलग टाइप की पट्टियाँ आती है, इसके बारे में आपको मैं बताऊँगा।
एक 4-layer बैंडेज होता है जिसमें 4 layer में इसका ड्रेसिंग किया जाता है। 4 layer में ड्रेसिंग करने का बेनिफिट ये होता है कि इसमें प्रेशर काफी ज्यादा होता है, करीब करीब 40 mmHg के हिसाब से इसमें प्रेशर रहता है, और ये स्पेसिफिकली इफेक्टिव होता है वेनस अल्सर में। वेनस अल्सर में मेन प्रॉब्लम होता है कि प्रेशर बढ़ने के वजह से ये अल्सर बना है, तो ये प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने का काम ये 4-layer बैंडेज करता है। इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे। 4-layer बैंडेज एक स्पेशलाइज टाइप का ड्रेसिंग रहता है जिसमें सिल्वर नाइट्रेट जेल पैड अल्सर के ऊपर लगाया जाता है, और उसमें 4 तरह के अलग अलग बैंडेजेस एक के ऊपर एक लगाए जाते हैं, जिससे मैक्सिमम प्रेशर जो अटेंड होता है 4-layer बैंडेज में वो 40 mmHg तक होता है। इसका कंपैरिजन हम लगा सकते हैं जैसे अपन क्लास 2 स्टॉकिंग यूज करते हैं, उसमें प्रेशर होता है 22 से लेके 30 mmHg तक, और 4-layer बैंडेज में यही प्रेशर होता है 40 mmHg तक। ये एक बार लगाने के बाद कम से कम 5 to 7 days ड्रेसिंग लगा के रखना पड़ता है, बीच में चेंज करने की जरूरत नहीं है, और डिपेंडिंग ऑन पेशेंट के अल्सर का साइज कितना है, कितना इफेक्टिवली हील हो रहा है, कम से कम पेशेंट को 2 या 3 बार भी ड्रेसिंग वीकली करने की जरूरत पड़ती है। अगर हम देखें कि अल्सर काफी बड़ा है या काफी डीप है जो 4-layer बैंडेज को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो उसके लिए एक स्पेशलाइज टाइप का भी ड्रेसिंग आता है जिसको कहते हैं वैक्यूम ड्रेसिंग, वैक नाम से ये जाना जाता है। वैक ड्रेसिंग लगाने के बाद एक वैक्यूम मशीन रहती है जिसके साथ एक कनेक्ट करके इसको छोड़ा जाता है, तो ये भी इसका भी चेंजिंग हम एक वीकली बेसिस पे करते हैं। और वैक ड्रेसिंग जो एक डीप अल्सर है या काफी बड़ा अल्सर है उनके लिए काफी हेल्पफुल होता है, ग्रैनुलेशन टिश्यू ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ होती है इसमें, फिर उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि या इसमें स्किन फ्लैप लगाना है या प्लास्टिक सर्जरी की हेल्प लेके ये जो बड़ा अल्सर है उसको क्लोज किया जा सकता है। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अल्सर के ट्रीटमेंट के साथ ड्रेसिंग या बैंडेजेस के साथ का रूट कॉज रिमूव करना सबसे इंपॉर्टेंट है ताकि अल्सर भरे, फास्ट भरे और दोबारा ना हो, तो चलिए इसी बारे में हम आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और समझिए कि एग्जैक्ट ट्रीटमेंट आपके पर्टिकुलर अल्सर के लिए क्या हो सकता है। जब हम पता कराते हैं कि अल्सर आर्टेरियल ब्लॉकेज की वजह से है, तो ऑब्वियस है कि ब्लड फ्लो एडिक्वेट नहीं जा रहा है, तो अल्सर को ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा है। इसके लिए अगर हम ब्लॉकेज खोल देते हैं तो ब्लड एडिक्वेटली फ्लो होने लगेगा। ये काम किया जाता है एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग के द्वारा। जैसे हार्ट में अगर ब्लॉकेज आ जाता है तो हार्ट अटैक होता है क्योंकि ब्लड एडिक्वेट नहीं जा रहा है, उसी तरह पैर के टिश्यू भी सफ़र करते हैं अगर उसको ब्लड नहीं मिल पाता है। अगर आप ब्लड फ्लो रिस्टोर कर देते हैं एंजियोप्लास्टी के द्वारा तो अल्सर हीलिंग काफ़ी फास्ट होता है। दूसरा सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकता है कि अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डीबीटी है, काफ़ी दिनों से ब्लड क्लॉट जम गया है पैरों के बड़ी नसों में, तो वेनस एडिमा होने लगता है, स्किन चेंजेस आने लगते हैं, स्किन डार्क होने लगती है और वहीं पे अल्सर डेवलप होना चालू हो जाता है। ये अल्सर इसीलिए डेवलप हो रहा है कि पैर के निचले वाले पार्ट में वेनस प्रेशर ज़्यादा है। अगर हम प्रेशर हटा देते हैं तो अल्सर हीलिंग फास्ट हो जाएगा। तो प्रेशर कैसे हटाएंगे, जो ब्लॉकेज है मेन वेन में उसको हम बलून के द्वारा रास्ता बना के क्लॉट क्लियर करके अब एज मच एज पॉसिबल प्रेशर कम करते हैं ताकि ब्लड फ्लो ऊपर हार्ट की तरफ जा सके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट अगर हम कॉमनली बात करते हैं वेरिकोज वेन में, वेरिकोज वेन में भी अल्सर डेवलप होता है। अगर आप किसी भी प्रक्रिया द्वारा लेजर प्रोसीजर हो, RFA हो या ग्लू द्वारा वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट कराते हैं और स्टॉकिंग यूज करना कंटिन्यू रखते हैं तो जो अल्सर है वो काफ़ी फास्ट भरेगा और दोबारा उसके होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। अगर आप पैर के अल्सर से परेशान हैं तो आप आपके इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए, और क्योंकि इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट आपके अल्सर को पर्टिकुलरली डायग्नोस करने में हेल्प करेगा कि अल्सर किस वजह से हुआ है, उसका रूट कॉज पता करना काफ़ी ज़रूरी है, और यही फैक्टर है जो आपको अल्सर हीलिंग में मदद करेगा और दोबारा अल्सर होने में या रिकरेंस होने में प्रिवेंट करेगा। थैंक यू दोस्तों।